हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। निर्बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया। जय जय गंगे, जय 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 गंगे। जय जय गंगे, जय 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 गंगा मैया। जय जय गंगे, जय 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 गंगा मैया। हर राजकुमारी को विदा भी करोगे या यही रखना है? लोग
गया धू, तुम हमें मदिरा नहीं पिलाओगे? मैं? हाँ, तुम। लो लो। असुर सम्राट बनकर तो हिरण्यकश्यप जैसा घमंडी असुर अंधकासुर से भी अधिक घातक हो जाएगा। और ये बात तो निश्चित ही है कि वो गुरु शुक्राचार्य के प्रभाव में आकर वो सबसे पहले स्वर्ग लोक पर ही आक्रमण करेगा। इससे पहले कि वो मेरे सिंहासन की ओर बढ़े और असुर सेना के साथ देवलोक पर आक्रमण करे, मैं अभी उस पर आक्रमण कर इस विवाद की जड़ को ही उखाड़ फेंकता हूं। देवेंद्र, आप भूल रहे हैं कि देवी गंगा मैया के सामने आपने असुर सम्राट अंधकासुर को असुरों के साथ सहयोग करने का वचन दिया था। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि असुर सम्राट अंधकासुर ने देवताओं से सहयोग का जो वचन दिया था उसका पालन सम्राट बनने के बाद हिरण्यकश्यप भी करे। और हम जानते हैं कि वो सहयोग नहीं आक्रमण ही करेगा, तो फिर हम क्यों हाथ पर हाथ रखे असुरों के आक्रमण की प्रतीक्षा करें? परंतु हमें देवी गंगा मैया के सामने अपने दिए हुए वचन का मान रखना चाहिए। इस संबंध में हमें कुछ भी करने से पहले उन्हीं से ही पूछ लेना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, हम सभी चलकर गंगा मैया से पूछते हैं। नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप। गुरुदेव, प्रणाम। गुरुदेव, आयुष्मान भव। गुरुदेव, आपने कैसे कष्ट किया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं हिरण्यकश्यप, भूल तुमसे नहीं, भूल तो मुझसे हुई थी जो मैंने असुरों के सिंहासन पर अंधकासुर जैसे कायर को बैठा दिया था। उसने तो असुरों के अभिमान को ही नष्ट कर दिया है। क्या किया अंधकासुर ने? गंगा के आगे सर झुकाकर, गंगा की शरण में जाकर अंधकासुर ने गंगा से देवासुर संगम की संधि कर ली थी। देवताओं से संधि? हाँ, इसीलिए मैंने उसे असुर सिंहासन से हटा दिया है और उसकी जगह तुम्हें असुर राज बनाने का निर्णय लिया है। मैं असुर राज बनूंगा? हाँ हिरण्यकश्यप, तुमने नागलोक जीतकर असुर सिंहासन पर बैठने का अधिकार पा लिया है। असुर सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें ये मदिरा पान, ये नित्य गान और सारा मनोरंजन छोड़कर असुर लोक पहुंच जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव। क्या धू, मेरे जीवन में तुम्हारा आगमन अति शुभ प्रमाणित हुआ है। तुमने हमें असुर लोक का राजा बना दिया है और तुम असुर लोक की रानी बन गई हो। स्वामी, मुझे रानी नहीं, आपकी दासी बनकर रहने में ही आनंद मिलेगा। क्या बात है देवेंद्र? आप, देवर्षि और ये सब देवता एक साथ प्रकट हुए हैं, क्या फिर कोई समस्या है? हाँ मातेश्वरी, आप तो जानती ही हैं कि अंधकासुर की जगह हिरण्यकश्यप को असुरों का सम्राट बनाया जा रहा है। जानती हूँ। इसीलिए देवेंद्र और सभी देवताओं को यह आशंका है कि हिरण्यकश्यप असुरों का सम्राट बनते ही स्वर्ग लोक पर अवश्य आक्रमण करेगा। और असुरों के आक्रमण से पहले
देवेंद्र हिरण्यकश्यप पर आक्रमण करना चाहते हैं, यही ना? धन्य है देवी, आप तो हमारे मन की बात भी जानती हैं। परंतु देवेंद्र, आपके मन में ये बात आई ही क्यों? क्षमा करें माता, यदि अंधकासुर ही सम्राट होता तो मेरे मन में यह विचार कदापि नहीं आता। परंतु हिरण्यकश्यप को असुर सम्राट बनाए जाने से यह विचार मेरे मन में आया, क्योंकि वो वचनबद्ध नहीं है। परंतु देवेंद्र, आपको अपने वचन का पालन उस समय तक करना चाहिए जब तक असुर अपने सम्राट के वचन का विरोध करके आक्रमण नहीं करते। मैंने सोचा कि उन्हें अवसर ही ना दिया जाए। हे मातेश्वरी, आप तो जानती हैं कि असुरों की प्रवृत्ति कितनी हिंसक होती है, इसीलिए मैंने ये विचार किया कि इससे पहले कि असुर हम पर आक्रमण करें, हम ही उस पर आक्रमण कर देते हैं। यदि आप आक्रमण करते तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होती। आक्रमण करके आप देवी गंगा के आशीर्वाद की पूर्ति में बाधा डालते। आप भूल गए कि देवी गंगा ने अंधकासुर को वचन दिया था कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्म लेंगे। क्षमा करें माता, क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल होते होते रह गई। देवी उमा, आपका मैं बहुत आभारी हूं, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आभार आपको देवर्षि का मानना चाहिए, जिन्होंने आपको गलत रास्ते पर आगे बढ़ने से रोका और यहां ले आए। धन्यवाद देवर्षि। नारायण नारायण। देवर्षि, असुर सम्राट अंधकासुर ने देवताओं को सहयोग देने का जो वचन दिया था, उसकी पुष्टि नए असुर सम्राट से भी होनी चाहिए। इसलिए आप अभी असुर लोग जाइए। इस समय वहां अंधकासुर के स्थान पर हिरण्यकश्यप को असुर सम्राट बनाया जा रहा है। हे असुरेश्वर, इन समस्त असुरों ने तुम्हें अपना सम्राट बनाया है और अपने अभिमान जो इनकी पहचान है की रक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपा है, सदा इसकी रक्षा करना। गुरुदेव, आज सभी असुर श्रेष्ठों के सामने मैं हिरण्यकश्यप आज इस राज सिंहासन और इस राज मुकुट की सौगंध खाकर यह घोषणा करता हूं कि आपने असुरों का जो अभिमान मेरे हाथों में सौंपा है, मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। हिरण्यकश्यप की जय। 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 नारायण 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 नारायण। ये असुरों के दरबार में असुर शत्रु विष्णु का नाम कौन जप रहा है? नारायण 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 नारायण। नारद मुनि के मुख से अपने प्रभु का नाम तो हर क्षण तीनों लोकों में गूंजता रहता है, इस गूंज को कभी कोई नहीं रोक सकता। परंतु हम रोक सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव, असुर सिंहासन पर मेरे बैठते ही देवताओं ने असुरों के परम शत्रु विष्णु के इस परम भक्त को यहाँ नारायण का जाप करने और हमारी छाती पर मूंग डलने भेजा है। कदाचित देवता ये समझते हैं
कि गंगा के द्वारा अंधकासुर जैसे मूरख के हथियार डालने से असुर दुर्बल हो गए हैं। हे देवर्षि, ये देवताओं का भ्रम है जो अभी टूट जाएगा। प्रहरियों, बंदी बना लो इसे। माया से तुम बच्चों की भांति आंख पिचौली खेल रहे हो नारद? हिम्मत है तो प्रकट होकर सामना करो। नारायण नारायण। प्रहरियों, बंदी बना लो इसे। और बंद करो ये माया का नाटक। क्या तुम माया का यही नाटक दिखाने यहां आए हो? कदापि नहीं। यह तो आपने मुझे विवश कर दिया था। मैं ये चमत्कार दिखाने नहीं आया हूं। फिर तुम यहां क्यों आए हो? शिव भक्त असुरों के यहां विष्णु के परम भक्त का क्या काम? मैं गंगा मैया के आदेश का पालन करते हुए असुरेश्वर हिरण्यकश्यप के राज सिंहासन ग्रहण करने पर देवताओं की ओर से बधाई देने आया हूं। हमें गंगा और देवताओं की बधाई की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम हमें यह बताओ कि शत्रु के सम्राट को बधाई देने के लिए चतुर गंगा को क्यों विवश होना पड़ा? क्या हमारा असुर सिंहासन पर बैठते ही गंगा और सभी देवता हमसे भयभीत हो गए हैं? नहीं, उन्हें लगता है जो शक्तिहीन होते हैं, परंतु गंगा मैया और देवतागण तो स्वयं शक्तिशाली हैं, तो उन्हें भयभीत होने की क्या आवश्यकता? तो तुम देवताओं की शक्ति से डराने आए हो हम असुरों को? नहीं, एक मित्र दूसरे को डराता नहीं है। देवता गण और असुर जब मित्र बन गए हैं तब दोनों के बीच भय का क्या स्थान? ये मित्रता का मुखौटा देवताओं ने क्यों पहन लिया देवर्षि? देवता और असुर दोनों के कल्याण के लिए। अच्छा, तो अब देवता भी असुरों का कल्याण सोचने लगे? ये गिरगिट की भांति देवताओं ने कब रंग बदला? भार्गव, आप भली भांति जानते हैं कि असुर सम्राट अंधकासुर ने गंगा मैया के सामने देवताओं से हाथ मिलाकर सहयोग का वचन दिया था। मैं उसी देवासुर संगम की याद दिलाने यहां आया हूं। देवासुर संगम नहीं, देवासुर संग्राम ही हो सकता है, और ये संग्राम एक बार नहीं बल्कि बार बार होगा, बार बार। जब तक देवतागण देवी गंगा को असुर लोक में लाने नहीं देंगे, देवासुर संग्राम होता ही रहेगा। देवर्षि, जाइए
और देवताओं को हमारी दुश्मनी का यह संदेश सुनाइए। परंतु 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 कुछ नहीं, बस गंगा मैया तेरी जय हो गंगा मैया तेरी जय हो गंगा मैया।